हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आज कौन कौन सी जॉब निकली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अपनी पहली जॉब की। तो पहली जॉब यूपीएससी द्वारा निकाली गई है, जिसमें पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें ऑपरेशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी टोटल 10 वैकेंसी है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए और सैलरी इसमें आपको लेवल 10 की दी जाएगी। जॉब लोकेशन इसकी ऑल इंडिया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। अगली वैकेंसी जीआरएससी द्वारा निकाली गई है, जिसमें सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई है, इंजन टेक्नीशियन की वैकेंसी है, डिजाइन असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसकी टोटल 58 पदों पर भर्ती की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको सीए पास होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, डिप्लोमा पास होना चाहिए और डिग्री पास होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको सैलरी 23,800 रुपये दी जाएगी और इसकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। अगली वैकेंसी सीसीआरएएस द्वारा निकाली गई है, जिसमें रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और भी कई सारे पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसकी टोटल 38 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आपको डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट पास होना चाहिए और सैलरी इसमें आपको लेवल 10 की दी जाएगी। जॉब लोकेशन इसकी दिल्ली है। अगली वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा द्वारा निकाली गई है, इसमें आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई, लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी टोटल 78 पदों पर भर्ती की जाएगी और सैलरी इसमें आपको लेवल 7 की दी जाएगी। जॉब लोकेशन इसकी हरियाणा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी एनएचएम महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई है, नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है और भी कई सारे पदों पर भर्ती की जाएगी। टोटल इसमें 145 पदों पर भर्ती की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको जेएनएम पास होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए और सैलरी इसमें आपको 28,000 रुपये दी जाएगी। जॉब लोकेशन इसकी महाराष्ट्र है। अगली वैकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब द्वारा निकाली गई है, इसमें आपके फार्मासिस्ट और क्लिनिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल 218 पदों पर भर्ती की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा पास होना चाहिए और सैलरी इसमें आपको 18,000 रुपये दी जाएगी। जॉब लोकेशन इसकी पंजाब है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। और इसके साथ ही बता दें, अन अकेडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप 2023 या 2024 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अन अकेडमी द्वारा बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट किया गया है, अल्टीमेट बैच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023। इसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह 2024 के लिए 2 ईयर बैच स्टार्ट किया गया है, मिशन बैच। और जो लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एक्सपीडिशन 1 ईयर बैच स्टार्ट किया गया है 2023 की तैयारी करने वालों के लिए, और 2024 की तैयारी करने वालों के लिए एक्सपीडिशन 2 ईयर बैच कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है 20 जनरल स्टडीज बुक का सेट मिलेगा अगर आप 1 साल या इससे अधिक का प्लान लेते हैं। और जो लोग 2 साल या इससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको सीएससी एश्योर दिया जाएगा, सिविल सर्विस एग्जाम एश्योर। इसमें आप जब तक अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको गाइड किया जाएगा, आपको प्लान दिया जाएगा और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर 2 प्लान दिखाई देंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में क्या है कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस दी जाएंगी, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। लेकिन आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप दी जाएगी, मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको डेली स्पेशल कंटेंट दिया जाएगा और प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप यहां पर सिलेक्ट आइकॉनिक पे क्लिक करें। उसके बाद आप टाइम सिलेक्ट करें, कितने टाइम के लिए आप प्लान लेना चाहते हैं। उसके बाद SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, SRADDA, और अप्लाई बटन पे क्लिक करें और प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करने पर आपको जो है 17,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह आप अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।